नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जून, दिन सोमवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायत के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। बकरीद के मौके पर सीएम नीतीश ने प्रदेश वासियों को दी बधाई। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को सरकार दे रही सब्सिडी। आज इन जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट हुआ जारी। अब घर खरीदने की सोच रहे लोगों को नहीं होगी परेशानी। इस दिन अफगानिस्तान के साथ सुपर 8 का पहला मुकाबला खेलेगी भारत। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजरियल पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 627 पदों पर की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायत के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों की मॉनिटरिंग अब व्हाट्सएप के जरिए करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग फिजिकल से ज्यादा तकनीकी निरीक्षण पर ध्यान दे रहा है। व्हाट्सएप के जरिए शिक्षक के स्कूल नहीं आने की शिकायत, स्कूल का बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि परेशानी सुनी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 5 नए फोन खरीद लिए हैं, जिसका एक्सेस केवल अपर मुख्य सचिव के पास होगा। स्कूल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी होने पर आम लोग वीडियो और फोटो इस पर भेज सकेंगे। हर शिकायत के लिए अलग अलग नंबर है। इसमें स्कूल की आधारभूत संरचना को लेकर किसी भी तरह की शिकायत होने पर 9229206201, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206202, मिड डे मील से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206203, वही कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206204 पर कर सकते हैं। बकरीद के मौके पर सीएम नीतीश ने प्रदेश वासियों को दी बधाई। आज पूरे देश में बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व को लोग ईद अल अजहा के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व को लोग त्याग और कुर्बानी के लिए भी जानते हैं। वहीं इस अवसर पर सीएम नीतीश ने भी प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईद अल अजहा का त्यौहार असीम आस्था का त्यौहार है। खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्यौहार का आदर्श है। उन्होंने इस त्यौहार को आपसी भाईचारा एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा, त्यौहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने से आनंद और बढ़ जाता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दीपू घोष के बारे में। दीपू घोष पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1940 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में ये वर्ष 1960 में सबकी नजरों में आए। ये सभी 3 संभावित श्रेणियों में 7 बार के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। युगल में 1963 से 1970 के बीच में हर फाइनल में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 5 बार खिताब जीता। एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अर्जुन अवार्ड भी अपने नाम किए। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को सरकार दे रही सब्सिडी। बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। इनके लिए कृषि रोड मैप जैसी योजना भी चलाई जा रही है। अब इसी कड़ी में कृषि रोड मैप में ड्रैगन फ्रूट जैसे विदेशी फल को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 21 जिलों की मिट्टी इस फल के लिए अनुकूल है, इसलिए प्रदेश सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है। इस फल की खेती के लिए जिन किसानों को सब्सिडी मिलेगा वो 3 चरणों में दिया जाएगा। सब्सिडी का भुगतान फसल के स्टेज के आधार पर 3 चरणों में किया जाएगा। किसानों को उसकी खेती के लिए एक इकाई पर करीब 7 से 7.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान मिलेगा। बाल हृदय रोगियों को मिलेगा निःशुल्क इलाज। बिहार सरकार बाल हृदय योजना लेकर आई है। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है, जहां बताया गया है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के हृदय रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि रोगी बिहार का निवासी हो। रोगी को इलाज के लिए जरूरी है कि उनके पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का स्वास्थ्य जांच प्रतिवेदन और माता पिता की सहमति पत्र मौजूद हो।
योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य समिति या RBSK में जाना होगा। विशेष जानकारी के लिए 104 पर कॉल करें। आपको बता दें कि हृदय रोग होने पर बच्चों में प्रमुख लक्षण के रूप में अत्यधिक रोना, शरीर हाथ एवं जीभ का नीला पड़ जाना, वजन नहीं बढ़ना, रुक रुक कर दूध पीना, अत्यधिक थकावट महसूस करना, पैर पेट एवं आँख के पास फूल जाना आदि शामिल। अब घर खरीदने की सोच रहे लोगों को नहीं होगी परेशानी। अब बिहार में घर खरीदने से पहले लोग बिल्डर और प्रोजेक्ट को जान व समझ सकेंगे। दरअसल निबंधित परियोजना और निबंधित बिल्डर की रैंकिंग रेरा बिहार द्वारा जारी की जाएगी। आपको बता दें कि कई बार आम लोग बिल्डरों के झांसे में फंस जाते हैं, इसलिए इनकी रैंकिंग वेबसाइट पर जारी करने का फैसला लिया गया है। इनकी रैंकिंग https://rera.bihar.gov.in पर की जाएगी। इसकी जानकारी रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि आम लोगों से इसकी प्रतिक्रिया भी मांगी गई है। घर खरीदार किसी भी परियोजना में निवेश से पहले सही निर्णय ले सके, यही इसका मकसद है। अधिक खाद का उपयोग करने वाले किसानों को सरकार करेगी जागरूक। कई बार किसान खेतों में बेतहाशा खाद का प्रयोग करते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। किसान खेतों में अधिक खाद का प्रयोग ना करें, इसके लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में इन्हें जागरूक करने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में 5,00,000 खेतों में मिट्टी जांच के लिए नमूने के संग्रहण या विश्लेषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 4,17,275 खेतों के मिट्टी जांच नमूने का संग्रह किया जा चुका है। मिट्टी जांच कार्यक्रम का उद्देश्य समिति की जाँच कर जाँच परिणाम के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए कृषि योग्य मिट्टी को स्वस्थ रखना, फसल उपज में वृद्धि लाना एवं खेती की लागत को कम करना है। गूगल की तरह यूट्यूब ला रहा है ये शानदार फीचर। यूट्यूब अक्सर अपने यूजर्स की सुविधा को लेकर कई तरह की पेशकश करता रहता है। अब एक बार फिर से यूट्यूब एक नई पेशकश करने जा रहा है। इसका नाम है गूगल लेंस बटन। इस फीचर के जरिए अब आप यूट्यूब पर गूगल लेंस की तरह विजुअल लुकअप टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फीचर आपको वीडियो में देखने वाले चीजों की पहचान करने और उनके बारे में ज्यादा जानकारी देने में मदद करेगा। फीचर की मदद से यूट्यूब पर आपके वीडियो देखने का अनुभव भी और बेहतर होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी के शपथ पत्र जमा नहीं होने पर होगी कार्रवाई। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया था और आप उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उन्हें ये ऋण चुकाना अनिवार्य है। हालांकि वैसे लाभार्थी जो अभी तक बेरोजगार है या ऋण चुकाने में असमर्थ है, उन्हें अपना शपथ पत्र 15 से 30 जून तक जमा करना होगा। शपथ पत्र में ये बताना होगा कि वो अभी तक बेरोजगार है और ऋण चुकाने में असमर्थ है। इस शपथ पत्र को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कार्यालय में जमा करना होगा। शपथ पत्र जमा करने के बाद अगले 6 महीने तक इस ऋण की वसूली स्थगित कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक विकास कुमार द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए DRCC ऑफिस के परामर्श केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये शपथ पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। मिलेट्स महोत्सव के अवसर पर राज्यपाल और बिहार कृषि मंत्री ने कही ये बात। बीते दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने पटना के रविन्द्र भवन में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्न ही औषधि है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज मिलेट्स खाकर निरोग रहा करते थे और लंबे समय तक जीते थे। आज हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और बीमार पड़ने लगे हैं। निरोग रहने के लिए मिलेट को अपनाना होगा। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में मिलेट को लेकर पहले बार कोई कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, मिलेट्स के उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वो खुशहाल रहेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अब एयरपोर्ट पर एक नया रिकॉर्ड भी बना है। एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस साल जनवरी से मई के बीच में दरभंगा एयरपोर्ट से 1,81,134 यात्रियों ने अपनी यात्रा पूरी की है। मिली जानकारी के मुताबिक इस अप्रैल महीने में 290 विमान का आगमन हुआ, जिससे 42,252 यात्रियों ने यात्रा किया। बीते जनवरी से लेकर मई तक फ्लाइट के उड़ान की बात करें तो औसतन सीट बुकिंग की 64% सीट फुल रही। हालांकि विमान की उड़ान नियमित तौर पर होती तो ये प्रतिशत और बढ़ सकता था।
ईओयू ने नीट परीक्षा लीक मामले में परीक्षार्थियों को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच की जा रही है। अब इस मामले में ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद 18 और 19 जून को इन परीक्षार्थियों से पूछताछ किए जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के रोल कोड सॉल्वर गिरोह के पास से मिले थे, जिससे देखते हुए ईओयू ने नोटिस जारी किया है। परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों से भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए अभिभावकों को भी बुलाया गया है। मालूम हो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अभी तक ईओयू को नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई है, जिस वजह से जाँच में देरी हो रही है। इस दिन जारी होगा पीएम किसान सम्मान की 17वीं किस्त। पीएम किसान स्कीम के तहत जारी होने वाली 17वीं किस्त देश भर के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 18 जून को ट्रांसफर होगी। इसका ऐलान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया है। इन सभी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस संबंध में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि पीएम मोदी किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। मालूम हो कि 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस स्कीम के जरिए हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं। बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर रेलवे द्वारा लगाए जाएंगे एस्केलेटर। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार झारखंड में रेलवे द्वारा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कुछ प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर लगाने की तैयारी है, ताकि वरिष्ठ नागरिक, महिला और दिव्यांगजनों को सुविधा मिल सके। कुल 35 एस्केलेटर पूर्व मध्य रेल द्वारा कुछ प्रमुख स्टेशनों पर लगाने की तैयारी है, जिसमें 6 एस्केलेटर लगने शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें समस्तीपुर मंडल का सहरसा स्टेशन शामिल है। यहाँ 2 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इसके लिए जगह का चयन किया जा चुका है। अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में इंजीनियर्स की होगी तैनाती। अब बिहार सरकार इंजीनियर को राज्य के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना के निर्माण की निगरानी के लिए तैनात करेगी। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में निर्माण कार्य तेजी से हो सके और आधारभूत संरचना सुदृढ़ हो सके, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अभियंताओं की तैनाती को लेकर विभाग रणनीति तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालय में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि निर्माण कार्य की देखरेख के लिए अभियंता रहेंगे। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी अभियंताओं पर होगी। आज इन जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में कई दिनों से बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मॉनसून का दिन आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा, जिस वजह से लोग गर्मी से परेशान हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। हालांकि ये संभावना उत्तर बिहार की तरफ है। दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। आज दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर और गया, जहानाबाद व नवादा के कुछ स्थानों पर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। भोजपुर में शिवगंगा घाट पर 4 बच्चों के डूबने से सीएम नीतीश ने जताया शोक। भोजपुर जिले के शिवगंगा घाट पर 4 बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम नीतीश ने कहा है कि ये घटना अत्यंत दुखद है। साथ ही उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4,4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी आईपीआरडी बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए मिली है। पटना सिटी में अवैध शराब फैक्ट्री चलाने का मामला आया सामने। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद भी इसकी तस्करी होने के साथ ही अवैध फैक्ट्री का संचालन भी किया जा रहा है। दरअसल पटना सिटी से एक अवैध शराब फैक्ट्री चलाने का मामला सामने आया है। ये मामला साल सलामी थाना क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी का है। यहाँ एक मकान में चलाए जा रहे अवैध शराब फैक्ट्री को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। साथ ही नकली शराब, खाली बोतल और इससे संबंधित कई सामग्री यहां से पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 10 लाख रुपए तक की शराब और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। रेल मंत्री ने बताया, इस दिन से दौड़ने लगेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में रेलवे के कई रूटों पर वंदे भारत चलाए जा रहे हैं। तब इसी कड़ी में रेल मंत्री का पदभार संभाल रहे अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले 2 महीने में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा होने के बाद इस ट्रेन का संचालन 6 महीने के बाद शुरू किया जा सकता है। आगे अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को राजधानी के तर्ज पर बनाया जा रहा है।
जिसमें यात्रियों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे पूरे देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का जाल बिछाना चाहता है। सामाजिक आर्थिक असमानता पर लालू यादव ने जताई चिंता। सामाजिक आर्थिक असमानता को लेकर विश्व असमानता लैब द्वारा आंकड़े जारी किए गए। इस आंकड़े को देखकर लालू यादव ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े बेहद डरावने और चौंकाने वाले हैं। ये सोच देश में बढ़ती असामाजिक आर्थिक असमानता को उजागर करता है। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। लालू यादव ने बताया है कि रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति का 88.4% हिस्सा सवर्ण के पास है, जबकि ओबीसी के पास सिर्फ 9% और अनुसूचित जाति जनजाति के पास सिर्फ 2.6% हिस्सा है। लोकसभा स्पीकर पर सियासी हंगामे को लेकर केसी त्यागी का बयान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है, जिसे लेकर जदयू के प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सदन का सबसे गरिमामय पद होता है, उस सीट पर सत्ताधारी पार्टी का पहला अधिकार है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मांग और बयान आपत्तिजनक है। उसे पद पर पहला अधिकार बीजेपी या एनडीए का है। हमारा मानना है कि बीजेपी एनडीए की बड़ी पार्टी। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा था कि लोकसभा स्पीकर का पद जदयू या टीडीपी के पास होना चाहिए, जिसे लेकर खूब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। अभी हाल में तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा था कि वो अपने जिला अध्यक्षों को सैलरी देते हैं और अपनी पद यात्रा में चल रहे लोगों को 5-स्टार की सुविधा देते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस गर्मी में खुद एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठ नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव को बाहर से टेंट उजला चमकता हुआ दिखता है तो उन्हें लगता है 5-स्टार होटल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहां पर लड़के कितनी परेशानी में अपना जीवन खफा कर रहे हैं। ये बात तेजस्वी यादव को नहीं समझ आएगी। इस दिन अफगानिस्तान के साथ सुपर 8 का पहला मुकाबला खेलेगी भारत। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के लिए 7 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। सुपर 8 में भारत की टीम भी शामिल है। 20 जून को अफगानिस्तान के साथ भारत इस राउंड में अपना पहला मुकाबला खेलने वाली। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान भी भारत के साथ ग्रुप 1 में शामिल है। चौथी टीम का भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि बांग्लादेश या नीदरलैंड के साथ कोई एक टीम हो सकती है। दोनों में से कौन सी टीम होगी इसका पता आज मुकाबले में हो जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आज के दिन वर्ष 2012 में साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनी थी। आज के दिन वर्ष 1973 में लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। आज के दिन वर्ष 1981 में अमृता राव का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है। आज के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता निशिकांत कामत का जन्म हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उस जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन बीआई के चेयरपर्सन बने हैं? ऑप्शन ए है दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है सुबोध कुमार, ऑप्शन सी अभिजीत किशोर, ऑप्शन डी है राजप्रिय सिंह। इसका सही उत्तर है अभिजीत किशोर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश गए हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है इटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है असम। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2032। इसका सही उत्तर है 2030। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है?
ऑप्शन ए है बेगूसराय, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है संजीव कुमार, मोहम्मद असगर कमल, जीवंत मंडल, खुशी चौरसिया, अनुपम कुमारी, रामजी राठौर, नन्नू गोलू कुमार, साहिल यादव, सोनी कुमारी, गोनर शर्मा, अवधेश कुमार, मुस्कान कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के रात का सवाल है, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।